हरे कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। इस कथा का सीधा संबंध है कर्मा बाई से, जो कि भगवान जगन्नाथ की एक बड़ी भक्त हुआ करती थी और पुरी के श्री मंदिर से ही कुछ दूर एक कुटिया में रहा करती थी। भगवान के लिए उनके दिल में पुत्र जैसा भाव था और इस भाव के साथ वो रोज बड़े प्यार से जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाया करती थी। जगन्नाथ जी भी अपने श्री मंदिर में कपाट खुलने से पहले आकर मजे से खिचड़ी का स्वाद लिया करते थे और वापस अपने मंदिर लौट जाया करते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन एक दिन कर्मा बाई के घर एक साधु दक्षिण भारत से आया। कर्मा बाई को उनकी सेवा करने का बड़ा अच्छा मौका भी मिल गया, पर इस दौरान हुआ यह कि साधु ने कर्मा बाई के काम करने का तरीका देखा और उससे खुश नहीं हुए, क्योंकि वो बिना नहाए ही भगवान जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बना दिया करती थी। यह देख साधु ने उन्हें सलाह दी और सलाह में कई नियम कानून समझा दिए कि कैसे उन्हें सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए, मंदिर साफ करना चाहिए, कब कब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, यानी इस तरह पूजा पाठ की विधि अच्छे से उन्हें बता दी। अब इसके बाद हुआ यह कि अगले दिन जब भगवान आए तो खिचड़ी बनी ही नहीं थी। कर्मा बाई तो साधु के बताए नियम का पालन करने में मगन थी, तो नहाने धोने मंदिर साफ करने में समय लग गया और भगवान खिचड़ी का स्वाद लेने के लिए बेचैन हो रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर आज कर्मा बाई को हुआ क्या है, इतनी देर तो उन्हें आज से पहले कभी नहीं हुई। इसके बाद जैसे ही खिचड़ी बनकर तैयार हुई, भगवान जल्दी जल्दी उसे खाने लगे, क्योंकि दूसरी तरफ श्री मंदिर में कपाट भी खुलने वाले ही थे और उससे पहले पहले उन्हें वहां पहुंचना था। अभी खिचड़ी पूरी खा भी नहीं सके थी कि जगन्नाथ जी को वापस जाना पड़ा और वो जल्दीबाजी में अपना मुंह पोछना भी भूल गए और श्री मंदिर में जाकर अपने आसन पर बैठ गए, जहां उन्हें भोग लगाने का समय हो चुका था। अब जब पुजारी जी ने मंदिर का कपाट खोला तो भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी देखी, जिस पर भगवान ने कर्मा बाई वाली पूरी बात पुजारी जी को बता दी और इसके साथ ही साधु के बारे में भी बताया। भगवान ने पुजारी जी को कह दिया कि वो उस साधु को जाकर साफ कह दे कि कर्मा बाई को इतने नियम ना सिखाएं, उनकी वजह से ही मुझे समय पर खिचड़ी नहीं मिल पाती। भगवान के आदेश पर पुजारी जी जाकर उस साधु को समझा देते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर साधु को बड़ा अपराध सा महसूस होता है, साथ में कर्मा बाई के ऊपर भगवान की इतनी कृपा और प्रेम देख हैरान भी होते हैं। इसके बाद साधु तुरंत कर्मा बाई के पास जाते हैं और उन्हें वापस अपने तरीके से ही सारे काम काज करने को कहते हैं। तो इसके बाद जब तक कर्मा बाई जीवित रही, उन्होंने अपने तरीके से ही भगवान को खिचड़ी खिलाई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब भगवान मंदिर में कोई सा भी भोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। बात गंभीर हो गई, खुद वहां के राजा को आना पड़ा और जब उन्होंने कारण जानना चाहा तो उनको भगवान जगन्नाथ से पता चला कि कर्मा बाई इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। यह बात बताते समय भगवान की आंखों में अपनी माता यानी कर्मा बाई के लिए आंसू भी आ गए और वो सोच रहे थे कि उनके जाने के बाद अब कौन उन्हें खिचड़ी खिलाएगा। कर्मा बाई के प्रति भगवान का इतना प्यार देखकर राजा भी भावुक हो गए और हाथ जोड़कर कहा कि हमारे अंदर उतना प्रेम नहीं है, लेकिन अब से हम आपके लिए रोज खिचड़ी का भोग तैयार करेंगे। तो इस प्रकार कर्मा बाई की खिचड़ी का रोजाना भोग भगवान जगन्नाथ को लगाया जाता है, यानी बहुत सारे व्यंजन के बीच खिचड़ी व्यंजन को भी जोड़ दिया गया, जिसे कर्मा बाई की खिचड़ी कहा जाता है। कर्मा बाई के बारे में जाने तो वो राजस्थान के नागौर जिले में कालवा नाम के एक गांव में जन्मी थी और उन्हें मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। बचपन से ही उनमें भक्ति के भाव काफी ऊंचे थे और आज भी उनकी भक्ति व प्रेम हम सबके लिए काफी प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कथा जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।